नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईकल K41 के फ्रेंड्स कुछ ऐसे कैमरे का सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि वह सेटिंग बहुत ही आप सबके लिए यूजफुल है फ्रेंड। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेटिंग है कैमरे का फ्रेंड, जो कि उसको सेटिंग को आपको कस्टमाइज अप करना पड़ता है, सेटिंग को करना पड़ता है। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स सब लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कैमरे का हो या फिर कोई भी सेटिंग आपको करना हो तो आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते अपने फोन के कैमरे में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने फोन के कैमरे में आता हूँ। कैमरे में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कोने में फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड सेटिंग वाला आइकॉन है, इसको पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर साइज है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर साइज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16:8:12 यहाँ पे मेरा हाई है, तो यहाँ पे मैं हाई ही रहने देता हूँ फ्रेंड्स। या फिर इसको आप चाहते हैं नहीं 13 MP पे रखना चाहते हैं तो 13 MP भी रख सकते हैं। या फिर यहाँ पे प्राइस, इसको देखिए ये जो साइज है, इसको साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल साइज रखना है तो आप इसको फुल साइज भी रख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी फुल साइज में किया हूँ, तो देखिए मेरे पूरा फुल साइज में कैमरा यूज हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको फुल साइज में नहीं करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको स्टैंडर्ड में करूँगा तो मेरा फुल साइज में नहीं शो कर रहा है, देख सकते हैं फिर। लेकिन इसको आप फुल साइज में यूज करें तो ज़्यादा आपका वीडियो क्वालिटी या फोटो क्वालिटी आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको फुल साइज में कर दिया फ्रेंड, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑटो स्कैन डिटेक्टर है, इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चर शॉट है, इसको आप इसको टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा सकते हैं कैप्चर करने का। तो यहाँ पे इनमें से दोनों ऑप्शन में से कोई भी यहाँ पे 99 शॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को ये ISO है जो कैमरे में रहता है, उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ISO को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जितना आप ऑटो पे है यहाँ पे 100 आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये ISO से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कहीं लाइट कम है तो इस ISO के जरिए आप लाइटिंग को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो कहीं ज़्यादा लाइट है या कहीं कम लाइट है तो इसी ISO सेटिंग से ही आप लाइटिंग को कस्टमाइज आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको 16 ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद अगर कैमरे में जाएंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे इसका लाइटिंग है जो कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप अपने ISO को भी सेटिंग को कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 16 नहीं करके फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑटो ही रखता हूँ अभी। आपको जैसा जो सिचुएशन आप करेंगे उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वाटरमार्क है, देखिए इसको अगर आप ऑन रहने देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं कोई फोटो के यहाँ पे देखिए मैं इस फोटो के यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फोटो क्लिक किया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे देखूंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरा इसका वाटरमार्क आ रहा है आईकॉल। देखिए यहाँ पे 16 MP कैमरा है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरह आप चाहते हो इसका वाटरमार्क हटाना तो यहाँ पे इस वाटरमार्क को भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाटरमार्क जो ऑन है इसको आप ऑफ करते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स। जैसे आप ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे देखिए ये फोटो क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं इस फोटो को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा अब मेरा वाटरमार्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाटरमार्क अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरह वाटरमार्क को भी आप हटाना चाहे तो वाटरमार्क को भी हटा सकते हैं। फिर देखिए मैं फिर से सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए मैं वाटरमार्क को यहाँ पे मैं हटा दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लोकेशन इन्फॉर्मेशन इस तरह आप रख सकते हैं, इसको अलाउ कर दें तो आपका फोटो जो भी जब खींचेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लोकेशन इन्फॉर्मेशन शो करेगा फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन भी यहाँ पे शो करेगा। लेकिन आप इसको मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इस सेटिंग को आप बंद करके ही रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे इस सेटिंग को ज़्यादातर बंद करके ही रखता हूँ क्योंकि मैं अपना लोकेशन क्यों किसी को शेयर करूँ किसी भी फोटो में फ्रेंड्स। तो इस तरह आप इसको बंद कर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आईकॉल K41 के अंदर में फ्रेंड्स ये सेटिंग कैसा लगा कैमरे का, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।